हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। सो कल हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स प्लान करने वाले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। एंड कल भी देखो, मैंने आपको जो बताया था ट्रेड में, मार्केट ने पूरा ट्रेड दिया। आज तो मतलब मार्केट ने भर भर के ट्रेड्स दिए। जितने भी मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में ट्रेड्स बताए थे, सारे ट्रेड्स आपको मिले हैं, राइट। बैंक निफ्टी में आपको मैंने ट्रेड्स बताए थे, यहाँ पे आपको कॉल की पोजीशन लेने का ये पूरा ट्रेड मिला। यहाँ पे आपको मैंने बताया था इस लेवल के ब्रेकआउट पे पुट की पोजीशन का, वो पूरा ट्रेड मिला, राइट। प्लस निफ्टी में मैंने आपको बताया, निफ्टी में भी पूरा ट्रेड दिया। यहाँ पे देखो, आधा टारगेट दिया, दोबारा ब्रेकआउट देके जब आया इस लेवल के नीचे तो पूरा टारगेट दिया था। तो आपका जो भी ये कल वाली वीडियो देख के आपने जो भी ट्रेड लिया है, बहुत अच्छी बात है, मजा तो बहुत आया होगा आप लोगों को आज, राइट। क्योंकि बहुत अच्छा दिन गया, काफी दिनों के बाद इतने अच्छे अच्छे ट्रेड्स हमें मिले, राइट, फाइनली। सो अब डिस्कस करते हैं कि कल यू नो किस तरीके से हमारे ट्रेड्स बन रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अच्छा, उससे पहले ना एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। देखो, काफी लोग होते हैं आप में से कि ना मेरी वीडियोस देखते हो बट आप ध्यान से बातें नहीं सुनते हो कि मैंने क्या बोला है। अब आप देखो, चाहे उसको एक बार नहीं, चाहे आप उसको दो बार देखो वीडियोस को, चाहे तीन बार देखो, बट मैंने जो जो चीजें बताई ना उनका ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं काफी सारी एनालिसिस करने के बाद वो सारी बातें बोलता हूँ। एक एक बात का मेरा ध्यान दिया करो, जो भी चीजें मैंने बोली है। अब मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, आपको होल्ड करने का यहाँ पे वेट करना है, राइट। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने ओपन होते ही इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दिया, कैंडल क्लोज हुई, मैंने आपको क्या बोला था, तुरंत आपको ट्रेड नहीं लेना, जब तक मार्केट इसके नीचे होल्ड ना करे तब तक ट्रेड मत लेना। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, मेरे ख्याल से कई लोगों ने लिया भी है यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही और ट्रेड लिया, बात ध्यान से सुनी नहीं होगी आप लोगों ने, ट्रेड लिया होगा तुरंत मार्केट ऊपर चला गया। मैंने क्लियरली बोला था कि इसके नीचे होल्ड करना चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है, आपने खुद की गलती से वीडियो ध्यान से नहीं देखा, ध्यान से देखना मैंने आपको क्या बोला है, इसलिए एक एक बात का ध्यान रखा करो। अब देखो, यहाँ पे देखो, जब इस लेवल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट फिर से मिला और मार्केट ने देखो होल्ड किया है, आप देखो क्लियरली दिख रहा है आपको होल्ड किया है, और फिर जब रिटेस्ट करने आया तो मार्केट ने पूरा टारगेट दिया और एग्जैक्ट मार्केट ने उस लेवल तक का टारगेट दिया जितना मैंने आपको बताया था। सो आप इसके पीछे काफी सारी मेरी कैलकुलेशंस होती है, काफी सारी मेरी एनालिसिस होती है, जो मैं आपको बोलता हूँ डिट्टो मार्केट वो क्यों करता है, क्योंकि इतने क्लैरिटी के साथ बहुत टाइम लगा के मैं इस पर एनालिसिस करता हूँ और तब आपको बताता हूँ कि आपको क्या ट्रेड लेना है। तो अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे ना, जो भी मैंने आपको बोला है, डेली कुछ ना कुछ ट्रेड्स मिलेंगे और कभी आपको लॉस नहीं हो सकता, या तो आप प्रॉफिट में एग्जिट करोगे या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट, राइट। क्योंकि मैं टेलीग्राम पे आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देता हूँ कि अगर कोई ट्रेड फेल होना है तो उसको अवॉइड कर दो, तो वो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया करो जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक से, तभी आप मेरे उसके इस एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करना। बट अगर आप ध्यान से सारी बातें सुनोगे पूरे ट्रेड्स मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से इन चीजों का ध्यान रखो। अब डिस्कस करते हैं कि कल क्या ट्रेड्स बन रहे हैं हमारे, राइट। लेवल्स मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ऑलराइट। सो लेवल्स मैंने रिफ्रेश कर ली है, पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, राइट। अब देखो, मैंने आपको ये कल लेवल्स दिए थे, इसमें चेंज करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं है, मार्केट पूरी तरीके से उसी पे घूमा है, तो हम इन लेवल्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखो, ये येलो लेवल्स जो भी आपके आपको मैं देता हूँ, येलो लेवल्स ड्रॉ करके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। ये लेवल्स आप देखो, पूरे दिन मार्केट इसके आसपास घूमा है, उस पूरे दिन इसके आसपास घूमा है, एकदम मैग्नेट की तरह लेवल्स काम कर रहे हैं, राइट। तो अब आपको क्या करना है कल, कल के लिए देखो सिंपल सा मैं आपको बोलूंगा कि ना बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा ट्रेड बनेगा, निफ्टी में थोड़ा सा ना रिस्की और डाउटफुल रहेगा, राइट। तो अगर बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड मिलेगा ना कल, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा फोकस करूंगा ट्रेड लेने के बारे में, और बहुत सिंपल है कल के लिए बैंक निफ्टी में। देखो, आपका जो ये वाला लेवल है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको, ऊपर की साइड थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको लेवल्स क्लियरली दिखे, राइट। यस, अब थोड़े क्लियर दिखेंगे। हाँ, तो आपको देखो, ये जो लेवल है नीचे की साइड में, अगर ब्रेकआउट मिले चाहे ऊपर की साइड में कहीं भी मिले, आपका सबसे पहले ट्रेड बनेगा अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट मिलता है, और ये लेवल आपका 39,140। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देता है, आपको पुट की पोजीशन लेनी है, ठीक है। और पहला टारगेट रहेगा ये, फाइनल टारगेट रहेगा आपका ये वाला लेवल, ये वाला लेवल आपका 38,816 का, और ये लेवल है 38,435 का। ये सिंपल सा बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, मार्केट ओपन हो, नीचे जाए, ब्रेकआउट दे, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो, कैंडल क्लोज होने के बाद ही, और मेक श्योर कि आप रिटेस्ट पे ट्रेड करो ताकि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिले, राइट। तो यहाँ पे रिटेस्ट पे ट्रेड करना, यहाँ पे जाते ही पहला लॉट, पहला टारगेट बुक करो, कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे एग्जिट करके निकल जाओ, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है, ज्यादा लॉट्स वाले ही यहाँ पे कुछ लॉट्स बुक करो, 70% कम से कम, और फिर आप इस लेवल तक के टारगेट का वेट कर सकते हो और होल्ड करके, ठीक है। सो ये आपका पूरा सिनेरियो बनेगा नीचे की साइड में बैंक निफ्टी। अगर मान लो बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, राइट, अगर मान लो कल बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दो सिनेरियो बनेंगे, ठीक है। देखो, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ कहीं पे, तो ऊपर जाएगा ना जब यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे आपको पुट की पोजीशन, जैसे ही कैंडल रिटेस्ट करने जाए आपके इस लेवल पे, आप पुट की पोजीशन लोगे, यहाँ पे पहला टारगेट वही,
और यहाँ पे फाइनल टारगेट वही आपको सेम चीज करनी है। बट यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकता है, यहाँ पे जब गैप डाउन ओपन होगा तो वापस ऊपर जाएगा, इसको रिट्रेस करने हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, बट हो सकता है कि मार्केट वापस यहां तक भी जाए, राइट, मतलब ये जो यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ एंट्री लेंगे तब मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर जाए और इस पॉइंट तक जो कल आज की क्लोजिंग है, राइट, आज की जो क्लोजिंग है उसके आसपास मार्केट जाके और फिर एक बार नीचे गिर सकता है। तो इस तरीके से सिनेरियो बनेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे साइडवेज ओपन होकर डायरेक्ट ब्रेकआउट दे तब तो इजी ट्रेड है, यहाँ पे हम सीधा पुट की पोजीशन लेंगे, टारगेट वन टारगेट टू। बट अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है आपके इस लेवल के नीचे, तब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही गैप डाउन ओपन होगा, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट गैप डाउन, जैसे ही रिटेस्ट करने जाए हम यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे, राइट, पहला टारगेट दूसरा टारगेट। बट अगर मान लो यहाँ पे ऊपर जाता है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, तो स्टॉप लॉस अपना उस हिसाब से रखना, थोड़ा मैनेज करके, हो सकता है कि जब गैप डाउन ओपन हो तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए, तो आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, राइट। सो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने जाए आज इस लेवल को, कल इस लेवल को, या फिर आप बोल सकते हो क्लोजिंग जो मार्केट ने दी है यहाँ इसके आसपास आ सकता है और फिर मार्केट रिवर्सल देके यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। तो आपका ये अगर गैप डाउन ओपन हो तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा और थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप अवॉइड करना चाहो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो अगर आप अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड करो, साइडवेज ओपन होकर अगर नीचे ब्रेकआउट दे तो एकदम परफेक्ट ट्रेंड बनेगा, ठीक है। अगर मान लो ऊपर की साइड बात करें यहां पे, सो ऊपर अगर मान लो इस लेवल को ब्रेकआउट देता है आपको, ये लेवल आपका बैंक निफ्टी का 39,798 का, अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आप यहां पे कॉल की पोजीशन लोगे, पहला टारगेट बनाओगे ये लेवल और फाइनल टारगेट बनाओगे आप ये लेवल, ये लेवल है आपका 40,074 का, ये लेवल आपका 40,331 का, ठीक है। कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहां पे बुक करके निकल जाओ, जिनके पास ज्यादा लॉट्स है वो यहां पे 70% कम से कम लॉट्स बुक करो एंड फिर फाइनल जो सारे लॉट्स है वो यहां पे बुक करो। तो ये आपका ऊपर की साइड में सिनेरियो बनेगा। सो बैंक निफ्टी में बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपके ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं। मैं होप करूंगा कि बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड मिले, क्योंकि इसमें अच्छा ट्रेड बन सकता है, राइट, और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट पूरा एकदम टारगेट देने के चांसेस है इस केस में, राइट। अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी में देखो थोड़ा सा ना हॉचपॉच वाला एरिया बना हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। मैं पहले बात कर लेता हूँ नीचे की साइड में। देखो नीचे अगर ब्रेकआउट मिलता है ना बैंक निफ्टी में, अगर निफ्टी में नीचे की साइड ब्रेकआउट मिलता है इस वाले लेवल का, ये लेवल आपका 16,952 का ये लेवल है। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देता है आप यहां पे पुट की पोजीशन लोगे, पहला टारगेट आपका ये बनेगा, फाइनल टारगेट आपका ये बनेगा, ठीक है। यहां पे आपको 80% लॉट्स बुक करने ही करने हैं, ठीक है। यहां पे आप पुट की पोजीशन लोगे, ये लेवल आपका 16,952 का, यहां पे पुट की पोजीशन लेनी है जैसे ब्रेकआउट करता है कैंडल क्लोज होने के बाद, ये आपका बनेगा पहला टारगेट 16,852 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 16,750 का। जिनके पास कम लॉट्स है यहां पे लॉट्स सारे बुक करो, निकल जाओ, आपको कोई मतलब नहीं है उसके बाद, ठीक है। ज्यादा लॉट्स वाले यहाँ पे 80% क्वांटिटी बुक करो और फिर एकदम यहां तक का वेट मत करना, थोड़ा सा पहले भी आप एग्जिट कर देना, ठीक है, थोड़ा सा पहले आप एग्जिट कर देना, ज्यादा सेफ रहोगे, सारे लॉट्स यहाँ पे एग्जिट कर देना, पूरा आपको वेट करने की जरूरत, आप यहाँ पे भी कर सकते हो बीच में, मतलब जितना आपको दिखे यहाँ पे मार्केट तो बुक करके निकल जाओ, ठीक है, एग्जैक्ट यहां तक का वेट मत करना, ओके। अगर मान लो निफ्टी ये नीचे की साइड का ब्रेकआउट हो गया, बट अगर मान लो नीचे निफ्टी आता है इस लेवल के पास, ये आपका लेवल है अगेन 16,750 का लेवल है ये, राइट, और ये येलो लेवल है, अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट लेवल, मैं आपको पता है कि ये हमारे यू नो फ्लैगशिप लेवल आप बोल सकते हो, हमारे स्पेशल लेवल बोल सकते हो, राइट, जो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट जल्दी कर नहीं पाता, जो भी मैं आपको येलो लेवल देता हूँ ये वाले, तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी है आपके इन लेवल्स को, राइट, इन लेवल्स को, येलो लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाता, लेकिन जब ब्रेक करता है तो पूरा मार्केट फिर उस साइड में ही जाता है जिस साइड में ब्रेकआउट देता है। So, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, राइट, सो ये आपको डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ये एक ट्रेंड बन गया हमारा नीचे साइड में ये वाला। अगर मान लो इस लेवल के पास आता है ना निफ्टी 16,750 के पास, तो आप यहाँ पे जितना क्लोज हो सके इस लेवल के, आप एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। इन लेवल्स के बेस पे आप टारगेट बुक करो, बहुत अच्छे से ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। सो अगर मान लो निफ्टी इस लेवल के पास आए तो ये पूरा आपका एरिया बाइंग जोन रहेगा, ठीक है, कॉल की पोजीशन के लिए, ये पूरा एरिया रहेगा कॉल की पोजीशन के लिए। यहाँ पे जितना क्लोज हो सके कॉल की पोजीशन लो, पहला टारगेट ये लेवल 16,852 का और दूसरा टारगेट आप ये लेवल बनाओ 16,952 का। तो जो मैंने बताया कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे बुक करो, बाकी आप ट्रेड कर सकते हो, ज्यादा लॉट्स वाले तो ये आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। अगर सेम आपको वही चीज बता रहा हूं, अगर मान लो निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देगा ना, तो आपको पुट की पोजीशन तुरंत नहीं लेनी है, फिर कल वाला सा नहीं तो मैं आपको दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देगा तुरंत आपको पुट की पोजीशन नहीं लेनी है, होल्ड करेगा तभी आप पुट की पोजीशन लोगे। अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट दे, मैंने आप नीचे लेवल्स भी नहीं बनाए रखे हैं, मैं यहीं तक का कर रहा हूं, ठीक है।
यहां तक कि हम कर रहे हैं, नीचे ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है निफ्टी में। अगर बात करें ऊपर की साइड तो देखो ये जो लेवल है ना 17,777, राइट, ये जो लेवल है अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। यहां तक का पहला टारगेट और फाइनल टारगेट हम ये बनाएंगे, और ये लेवल आपका 17,151 का और ये लेवल है 17,197 का, ये आपका ट्रेड बनेगा। बट इसमें एक कंडीशन है, देखो अगर 10 बजे के बाद ये ब्रेकआउट मिलता है ना, अगर निफ्टी इस लेवल को कल 10 बजे के बाद ब्रेकआउट दे तो बहुत अच्छे टारगेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कल निफ्टी अगर इस लेवल को 10 बजे के बाद ब्रेकआउट दे, 10 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो टारगेट मिलने के इसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, उससे पहले हो सकता है फेल हो जाए, तो ध्यान रखना इस बात का जो मैंने बोला है, एंड उसके बेस पे आपको अपना ट्रेड मैनेज करना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे आप अपने ट्रेड को मैनेज करोगे, ठीक है। सो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है ये लेवल आपका 17,077 का, तो आप कॉल की पोजीशन लोगे, लेकिन 10 बजे के बाद मिलेगा ट्रेड तो बहुत अच्छा बनेगा। ये आपका पहला टारगेट रहेगा 17,151 का और ये आपका रहेगा फाइनल टारगेट 17,197 का। कम लॉट्स वाले यहाँ पे सारे लॉट्स लो, निकल जाओ ट्रेड से, आपको मतलब नहीं उसके बाद, ज्यादा लॉट्स वाले ही आप यहाँ तक ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये आपका ये ऊपर की साइड में पहला सिनेरियो बन सकता है, अगर साइडवेज ओपन होके और ब्रेकआउट दे। अगर गैप अप मार्केट ओपन होकर ब्रेकआउट देता है ना तो फिर मत लेना, अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना फिर उस केस में, ठीक है। ओनली साइडवेज ओपन होके ही ब्रेकआउट दे, या फिर यहां से ओपन हो और फिर ब्रेकआउट दे मार्केट, तभी आपको ये वाला ट्रेड लेना है, और वो भी 10 बजे के बाद अच्छा ट्रेड बनेगा ये। अगर मान लो ऊपर की साइड बात करें तो ऊपर की साइड में देखो यहाँ पे ना जूम थोड़ा करना पड़ेगा, फिर हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए मार्केट ज्यादा इस वाले एरिया में कहीं पे या कहीं पे, तो आपको फिर इस वाले लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, और ये लेवल आपका 17,197 का, फिर आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन लोगे ब्रेकआउट होने के बाद, और टारगेट वैसे आपका यहां तक का रहेगा 17,252 का। बट ये जो लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन मैंने जो ड्रॉ कर रखी है 17,225 पे, तो यहाँ पे ना थोड़ा देखना, ऑब्जर्व करना मार्केट क्या कर रहा है, या फिर आप ट्रेल कर लेना कुछ लॉट्स यहाँ पे, इस लॉट इस लाइन के ऊपर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होने पे कॉल की पोजीशन लेनी, राइट। टारगेट तो आपका ये रहेगा 17,252 का, ये ब्रेकआउट लेवल है आपका 17,197, बट इस लेवल पे आपको थोड़ा ध्यान देना है 17,224 पे कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। अगर थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया कुछ भी करे तो आप एग्जिट कर देना यहाँ पे, राइट, या फिर आप यहाँ पे जाते ही ट्रेल कर लेना कुछ लॉट्स, 60-70% क्वांटिटी बुक कर लेना, कमी लॉट्स कम प्रॉफिट बुक करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेफ ट्रेड करो, राइट, और फिर आप यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद स्टॉप लॉस अपना एंट्री पे लगा लेना, ठीक है। और जो भी मैं ट्रेड्स बताता हूँ इसमें ना स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा ना डायनेमिक रहता है, क्योंकि हम इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते कि मार्केट कल किस तरीके से इसको ब्रेकआउट देगा, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आप इसमें कितना स्टॉप लॉस लगाओ, राइट। हो सकता है मार्केट यहां से ओपन होकर फिर ब्रेकआउट दे, राइट, तो फिर उसमें स्टॉप लॉस कैसे बताऊंगा, या फिर कुछ भी करके मार्केट या तो यहां से ब्रेकआउट दे, राइट, तो स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगाना पड़ेगा कि कितना स्टॉप लॉस रहना चाहिए, राइट, या फिर आप थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करो आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट वीडियोस देखो, मेरी लॉन्ग वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने कब किस कंडीशन में कौन सा यू नो स्टॉप लॉस कितना लगाया, तो आपको समझ में आएंगे चीजें, फिर उसके बेस पे आप कर सकते हो। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं नहीं बता सकता हूं, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग और जो भी वहां पे सिनेरियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट के सिनेरियो है। तो ये निफ्टी में बस इतना ही है, और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स, बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा ट्रेड करना कल के लिए, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत अच्छा टारगेट देगा इसमें, राइट। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, नए हो अगर तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और यू नो डेली वीडियोस के लिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, और आज तो बहुत मजा आया होगा, तो कितना किसने कितना छापा है और क्या गलतियां करी हैं आप लोगों ने। आप एक दूसरे को कॉमेंट्स में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एक दूसरे को, क्योंकि देखो मैं इंडिविजुअली सबको नहीं बता सकता हूँ, मैं एक वीडियो में सब कुछ यू नो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आप सबको, बट आप एक दूसरे के डाउट्स या क्वेश्चंस जो है एक दूसरे के यहाँ पे कमेंट्स में कर सकते हो, राइट। किसी का क्वेश्चन है, कोई किसी ने गलती करी है, क्या रूल ब्रेक करी है, जो भी करा है, तो आप कमेंट्स करो एक दूसरे का, आप देखो कि क्या किसने क्या किया, फिर आप उनको रिप्लाई करो, आपके खुद के डाउट्स वगैरह यू नो एक Q&A सेशन आप खुद से यहाँ पे कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, ताकि आपको मजा आए, राइट। और कॉमेंट में करने का फायदा ये रहेगा कि आप किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो वो उसी वीडियो में रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि हमने क्या यहाँ पे गलतियां की, तो एक यू नो पूरा एक सेक्शन बन के रहेगा। तो इस तरीके से आप किया करो, इंजॉय करो। मैं बुल स्काउट गैंग को इतना बड़ा बनाना चाहता हूँ कि आप कोई भी ट्रेडर फालतू का लॉस ना करे, यहाँ पे सब कुछ प्रॉफिटेबल हो, राइट। तो ये चीज करनी है मुझे, बस और कुछ नहीं। बुल स्काउट गैंग अभी छोटा है तो लोगों को ना विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे सच में ट्रेड मिलते हैं लोगों को, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं है कि ऐसी चीजें होती हैं, कि मैं आपको डेली ट्रेड्स बता रहा हूँ, मार्केट डेली वही फॉलो कर रहा है। आप देख रहे हो एक्यूरेसी, आज भी मैंने आपको, कल मैंने आपको बताया था इस लेवल के नीचे, आप देखो एक्यूरेसी, मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट मिलने पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना, राइट।
और मार्केट भाग गया ऊपर, जब होल्ड करे तब ट्रेड लेना है। तो ये जो चीजें हैं ना, मार्क लोग यू नो बिलीव नहीं कर पाता इन चीजों पे कि हाँ ये चीजें पॉसिबल है। आपके सामने जो भी मैं कर रहा हूँ, आपके सामने जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, आपके सामने पहले बताता हूँ मैं आपको, ये लेवल देखो, डिट्टो मार्केट वहीं तक आया है, ये लेवल मैंने कोई मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मार्केट एग्जैक्ट वहीं तक आया और रिवर्सल आया पूरा। सो ये पावर है प्राइस एक्शन में। अभी थोड़ी हमारी बुल स्काउट की देखो एक ही प्रॉब्लम होती है कि बुल स्काउट अभी जो हमारा चैनल है, कम्युनिटी है, थोड़ी छोटी है, तो लोग विश्वास नहीं कर पाते। बड़ी होगी तो अपने आप ही लोगों को विश्वास हो जाएगा, राइट, और ज्यादा ट्रेड्स के चांसेस होंगे, हमारा जो प्रॉफिट है वो और ज्यादा बढ़ेगा, टारगेट की चांसेस और बढ़ेंगे। तो बुल स्काउट कम्युनिटी को और बड़ा करने में हेल्प करो, और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी दिखाओ वीडियो, आप भी प्रॉफिट कर रहे हो, जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो उनको आप दिखाओ ताकि वो भी प्रॉफिट करें, लॉस वगैरह अपना बचाएं, राइट। सो हेल्प ईच अदर टू ग्रो, राइट, किसी को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है, एकदम ग्रो करो, मजे करो, आप प्रॉफिट करो, दूसरों को भी कराओ, मजे करो। ऑल राइट गाइज, सो मिलते हैं कल, आई होप कि कल का भी हमारा दिन अच्छा रहे, आपका भी दिन अच्छा रहे। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।